सो शॉपिंग रिलेटेड ना ज्वेलरी का वीडियो बनाने वाली थी मैं, बट अभी क्या हुआ कि मैं इतना छोटा सा वीडियो बना के डाल देती हूँ। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ये 371 रुपीज़ का सेट है जिसमें एक इयररिंग मिसिंग है, तो इसको मैं रिटर्न करने वाली हूँ। तो रिटर्न करने से पहले सोचा वीडियो बना लूँ। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है सेट, बट एक इयररिंग मिसिंग है, तो मैं कैसे रख लूँ ना। ये 371 रुपीज़ का है तो इतना वर्थ भी नहीं लग रहा है 371 रुपीज़ के हिसाब से, पर वो कॉइन्स रहते हैं फ्लिपकार्ट के, उस हिसाब से मुझे 351 रुपीज़ प्लस 15 कॉइन्स ऐसा मुझे ये पड़ा है। बट अभी मैं ये रिटर्न करने वाली हूँ। वैसे तो सुंदर सा सेट था, साड़ी पे या दिवाली में ऐसे अच्छा सा ड्रेस पे पहन सकते हैं, देखो ये वाला सेट था, पर अभी इसे मैं रिटर्न कर दूँगी। तो काफ़ी सारे लोग ना ऑनलाइन शॉपिंग से इसीलिए डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि रिटर्न लेंगे नहीं या हमारे पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो रिटर्न करते वक्त क्या करना होता है, रिटर्न पे जब क्लिक करेंगे ना तो वो पूछते हैं रिफंड करना है या रिप्लेस करना है। तो अभी मैंने देख लिया कि अच्छा ऐसा क्वालिटी है, 371 या 351 रुपीज़ के हिसाब से मुझे नहीं लगता, इससे सस्ते में मिल जाते काफ़ी सारी चीज़ें। कभी कभी मैंने भी गलत चीज़ें एग्जीबिशन से खरीदी हुई, एक्स्ट्रा महंगी एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव खरीदी है, पर मुझे लगता है ये तो 200 रुपीज़ में तो मिल जाना चाहिए, और मतलब जो क्वालिटी है जो भी है, तो मैं इसको रिटर्न ही कर दूंगी, रिप्लेस नहीं करूंगी। रिप्लेस करूंगी तो भी वो वापस भेज देंगे, पर वापस चांसेस है कि वो अगर इतने बुलक्कड़ है भेजने वाले पर्सन कि उन्होंने पैक करते वक्त प्रॉपरली उसको पैक नहीं किया, मतलब पैकिंग में ना अच्छे से पैक किया होता, ये इसके अंदर था फिर ये इस बॉक्स के अंदर था और फिर ऊपर से ये वाला फ्लिपकार्ट का बैग, तो ऐसे था पैक्ड, बट आई एम रिटर्निंग इट। तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी, और सारी ज्वेलरी मंगाई है और एग्जीबिशन से भी खरीदी है, तो कैसे कंपेयर करके खरीदना है। कुछ चीज़ें मीशो पे हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि सब कुछ सस्ता ही मिलता है, पर कभी कभी सस्ता 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 बीच में एक प्रोडक्ट महंगा रहेगा और आप इतने हिप्नोटाइज रहते हो कि वो महंगा चीज़ आप ले लेते हो। तो आप अपने बाजार में अपने सिटी में कितने को मिल रही वही सेम चीज़ वो कंपेयर करके फिर ही लेना। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। मैंने कुछ चीज़ें ना मीशो पे देखी जो मुझे वहाँ पे सस्ती लगी, पर हमारे यहाँ पे ना नासिक में एक मारुति लेन है, वहाँ से मैंने खरीदी तो वहाँ पे और सस्ती मिल गई, कैन यू इमेजिन दैट। तो अगर आपको ना मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आपको और क्वेरी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।